ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। फाइनेंशियल प्लानिंग या पर्सनल फाइनेंस के मामले में नई नौकरी में नियुक्त हुई महिलाओं को काफी दिक्कतें आती हैं। कैसे वे अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को संभालें, आइए जानते हैं गरिमा दास की इस रिपोर्ट के जरिए। फाइनेंस के मामले में महिलाएं कई दफा सही निर्णय नहीं ले पाती हैं। फाइनेंस संभालने की जिम्मेदारी वे अपने भाई, पिता या घर के किसी बुजुर्ग को सौंप देती हैं। खासकर नई नौकरी में नियुक्त महिलाओं को सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के मामले में कम जानकारी होती है। ऐसे में उनके लिए एक गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग करना बेहद जरूरी है। ऐसा करने से वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए सालाना तौर पर बचत कर सकेंगी। 6 महीने के लिए है तो फिर आप साधारण FD में बैंक में रख सकते हो। अगर 5 साल के बाद कोई नीड है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है इसमें सेव कर सकते हो। अगर आप 20,000 कमा रहे हो और उसमें से आप 8,000 सेव कर सकते हो तो उस 8,000 को आप म्यूचुअल फंड्स में हर महीना SIP करके निवेश कर सकते हो। आज के दौर में मेडिकल कॉस्ट बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। अगर आप पर अपने मम्मी पापा और भाई बहन की भी जिम्मेदारी है तो ये जरूरी है कि आप एक पर्याप्त राशि की मेडिकल पॉलिसी जरूर लें। सारे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए एक फ्लोटर पॉलिसी लीजिए एटलीस्ट 5 लाख का, जिससे आप कोई भी बीमारी हो जब भी आप हॉस्पिटलाइज होते हो उसका पूरा कवर हो जाएगा और इसका जो प्रीमियम है वो लगभग 10,000 के अराउंड ही रहेगा। 25 से 30 साल की उम्र रहते अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें और इसी दिशा में बचत और निवेश पर ध्यान दें तो समय के साथ बढ़ती आपकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करना उतना ही आसान होता जाएगा। जानकारों का कहना है कि जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे ही आप अपने इनकम का कुछ हिस्सा अपने हर फाइनेंशियल गोल को पूरा करने में लगाएं।